अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि x माइनस थ्री, अगर किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स में x माइनस थ्री का डिवाइड करें x प्लस सिक्स का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 और 22 बचते हैं। जैसा कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड किसी पॉलिनोमियल में किया जाए जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हो, देन उनमें जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, इसको जीरो करके जो वैल्यू पुट करते हैं उससे आता है। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो एफ एक्स दिया हुआ है, तो x माइनस थ्री को अगर मैं रखूंगा तो पहले इसको जीरो करके देखूं तो x बराबर थ्री रखा होगा इसमें, तो f जो है x बराबर थ्री रखने पर क्या दे देता है, 7 दे देता है रिमाइंडर, यानी कि बचता ये है रिमाइंडर। सिमिलरली जब x प्लस सिक्स रखा जाता है तो डिवाइड किया जाता है इस प्लस सिक्स से तो रिमाइंडर 22 बचता है, यानी x बराबर माइनस सिक्स रखा होगा, तो x बराबर माइनस सिक्स रखने पर ये रिमाइंडर कितना देता है, 22 देता है। अब बोल रहा है वो कि अगर इससे डिवाइड किया जाए तो हमें पता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और ये कह रहा है कि इसमें डिवाइड किया है x माइनस थ्री का, यानी कि डिविडेंड किसमें डिवाइड कर रहे हैं, fx में कर रहे हैं, डिवाइजर कितना है x माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सिक्स, और डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा और वो x का ही आएगा प्लस। अब रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट नहीं बचेगा। कांस्टेंट क्यों नहीं बचेगा, मैंने आपको बताया था जब फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो फैक्टर होता है वो लीनियर था, लीनियर होता है तो एक पावर कम मिलेगा रिमाइंडर, बट यहाँ पर कितनी पावर आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है तो 2 से कम या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यानी रिमाइंडर या तो कांस्टेंट हो सकता है या 1 पावर वाला हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक जो रिमाइंडर है वो ax plus b, क्योंकि लीनियर जो बचता है लीनियर पॉलिनोमियल हम इसे कहते हैं, ठीक है, तो ax plus b बच गया। अब इसके अंदर अगर मैं इनको रखूं x बराबर 3 रखूं तो 7 बचना चाहिए और x बराबर माइनस 6 रखूं तो 22 बचना चाहिए, तो रख के देख लेते हैं। तो f ऑफ 3 रखा तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0 और 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 3 यहाँ रखने के लिए आ जाएगा 3a प्लस बी, बट ये तो हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहाँ से आ जाएगी। दूसरा अगर मैं इसी में f ऑफ माइनस सिक्स रखूँ तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स रखते ये 0, ये 0 रखते ही 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस सिक्स ए प्लस बी, बट ये तो हमें कितना दे रखा है, 22 के बराबर दे रखा है। तो दो इक्वेशन आ गई, अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं, पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और सेकेंड वाली इक्वेशन में इसे जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करने की आ जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल 14 माइनस 6a प्लस बी इक्वल 22, देन 6a से 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3b एंड ये आ जाएगा 36, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 12। अगर b इक्वल्स टू 12 है तो a इक्वल्स टू निकाल लेते हैं तो 3a प्लस 12 इक्वल 7, देन 3a इक्वल 7 माइनस 12 यानी कि बचेगा माइनस का 5 3a, then a जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/3। ओके, इस तरीके से भी हम कुछ कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया।